हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बच्चों, आज हम इतिहास पार्ट 5 प्रसार माध्यम और इतिहास, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा बच्चों, प्रसार का मतलब जानते हो क्या तुम? ओके, प्रसार का मतलब होता है किसी चीज को फैलाना या पहुंचाना। जैसे अभी हमें कोई भी बात या कोई भी मैसेज पहुंचाना तो हम किसका उपयोग करते हैं? मोबाइल का उपयोग करते हैं कि मोबाइल पर यहाँ हमने क्लिक किया और मैसेज लिखा और वो कुछ ही क्षण में वो पहुंच जाता है दूसरे के, उसका रिप्लाई भी आ जाता है। तुमने कभी सोचा है? देखो यहाँ प्रश्न दिया गया, पूछा गया है, मुगल शासन काल में बिहार में अकाल पड़ने पर अकाल का समाचार दिल्ली में किस प्रकार पहुंचता होगा और फिर उस समाचार पर विचार विमर्श कर दिल्ली मुगल शासक जो उपाय योजना करते होंगे वह उपाय योजना बिहार तक पहुंचने में कितना समय लगता होगा। अब अगर इस पे विचार करें तो अगर मुगल शासक बिहार में अगर अकाल पड़ता है तो अकाल पड़ने के बाद वो समाचार पहुंचने में काफी समय लग जाएगा, क्योंकि उस समय आवागमन के साधन थोड़े बहुत थे, मतलब ज्यादा ऐसे कोई साधन नहीं था जिसके द्वारा जल्दी से समाचार पहुंच जाए, उसको पर विचार विमर्श होके जल्दी से आ जाए। तो उसको वहां से कि एक दूसरे की सहायता से डुग्गी द्वारा या किसी साधन द्वारा वहां से जैसे संदेश वाहक द्वारा वो समाचार पहले दिल्ली पहुंचेगा, फिर दिल्ली से विचार विमर्श होगा, फिर दिल्ली शासक उपाय योजना करेंगे, फिर वहां से आदमी संदेश लेके यहाँ तक आएगा, तो उसके लिए काफी समय महीनों लग जाता था। प्रसार माध्यमों का परिचय। प्रसार माध्यम ये जो शब्द है, प्रसार और माध्यम इन दो शब्दों से बना है। प्रसार का अर्थ होता है दूर तक पहुंचाना, जैसे कोई भी बात हो उसको दूर तक हमें पहुंचाना है। हम किसी जानकारी को किसी माध्यम की सहायता से दूर तक पहुंचा सकते हैं। मैंने बताया था पहले संदेश वाहक द्वारा संदेश पहुंचाया जाता था, कबूतर द्वारा संदेश पहुंचाया जाता था और उसके बाद धीरे धीरे उसका वो विकास होता गया और आप समाचार पत्र द्वारा संदेश पहुंचाया जाता था, चिट्ठी द्वारा संदेश पहुंचाया जाता था और अब मोबाइल द्वारा यहाँ से वहाँ या ईमेल द्वारा समाचार पहुंचाए जा रहे हैं। तो पहले किसी राजा को यदि कोई समाचार पूरे राज्य को देना हो तो उसे कई दिन लग जाते थे। पहले गांव-गांव मुनादी की जाती थी। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया है मुनादी करवाना, तो ढोल बजा कर ऐसे चिल्लाते थे और उसको सुन के फिर दूसरे गांव में इस तरह से मुनादी करते थे, इस तरह से वो समाचार पहुंचता था एक आदमी से दूसरे आदमी तक, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी तक, इस तरह से समाचार की यात्रा चलती थी। प्रसार माध्यमों का इतिहास। बच्चों अब प्रसार माध्यम का क्या इतिहास था, पहले के लोग कैसे थे और अब कैसे धीरे धीरे उसका उसमें सुधार हुआ, उसके बारे में हम जानेंगे। भारत में अंग्रेजों के आने के पश्चात मुद्रण कला, मुद्रण कला मतलब छपाई यंत्र। देखो बच्चों नीचे चित्र दिया गया है, छपाई यंत्र यानी मुद्रण कला का चित्र है, और समाचार पत्रों का प्रारंभ हुआ यानी छपाई यंत्र का प्रारंभ हुआ और समाचार पत्र छपने लगे। समाचार पत्रों के कारण छपे समाचार पत्र सभी जगह पहुंचने में सहायता मिलने लगी। समाचार पत्र सूचना और ज्ञान का साधन बना। समाचार पत्र तो तुम जानती होगी, सुबह उठते ही घर में न्यूज़पेपर आ जाता है, उसको समाचार पत्र कहते हैं। समाचार पत्र उस प्रकाशन को कहते हैं जिसमें मुख्य रूप से समाचार, संपादकीय लेख, लोगों के विचार, विज्ञापन, मनोरंजक और अन्य पूरक पठनीय सामग्री का समावेश रहते हैं, सभी चीज उसमें दिए रहते हैं। जो नियत समय पे, एक निश्चित समय पर, सुबह का समय और नियमित रूप से, ऐसा नहीं कि आज मिला और कल नहीं छपा, वो रोज छपता है, इस प्रकार से वो वितरित किया जाता है यानी लोगों तक पहुंचता है। समाचार पत्र स्थानीय, देशांतर्गत और विश्व स्तर के विभिन्न समाचार पहुंचाने का कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि समाचार पत्र खाली अपने क्षेत्र का नहीं, बल्कि पूरे नगर का, राज्य का, पूरे देश का और पूरे विश्व का समाचार एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है। वर्तमान घटित घटनाओं को अंकित करने वाला समाचार पत्र जो है एक प्रकार का ऐतिहासिक दस्तावेज भी है। समाचार पत्रों का पूर्व रूप,
पूर्व रूप यानी पहले का कैसा रूप था, अब जो है हम समाचार पत्र आप तो हम मोबाइल में पढ़ते हैं, पहले कैसे लोग समाचार यहां से वहां पहुंचता था। इजिप्त में ईसा पूर्व कालखंड में सरकारी आदेश को उकेरे हुए शिलालेख सार्वजनिक स्थानों पर लगा के रखते थे, उसमें समाचार पत्र खुरुच के लिखते थे और उसको जगह जगह पे जहाँ पे लोग आते, जैसे इससे बाजार हो गया, मार्केट हो गया, जहाँ पे लोग आना जाना है उस स्थान पे लगा देते थे। प्राचीन रोमन साम्राज्य में सरकारी आदेश कागज पे लिखकर कागज अलग अलग प्रांतों में वितरित किया जाता है, कागज में समाचार लिख के हर एक क्षेत्र में, हर एक प्रदेश में बांट दिया जाता था। इसमें देश और राजधानी में घटित घटनाओं की जानकारी का समावेश रहता था। जूलियस सीजर के अधिपत्य में एक्टा डायरना नामक समाचार पत्र रोम में सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए। जूलियस सीजर का यहाँ चित्र दिया गया है। सरकारी ज्ञापनों को लोगों तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम था। सातवीं शताब्दी में चीन में सरकारी निवेदनों को सार्वजनिक स्थान पर बांटा जाता था। वहां पे क्या करते थे, एक छाप देते और सार्वजनिक स्थान पर बांट देते थे। इंग्लैंड में युद्धों अथवा महत्वपूर्ण घटनाओं के पर्चे बीच बीच में वितरित किए जाते थे, यानी बांटे जाते थे। धर्मशालाओं सरायों में रुकने वाले यात्री घुमक्कड़ वहां के स्थानीय लोगों को दूर के समाचार चटपटे बना के बताया करते थे। देखो बच्चों, यहाँ धर्मशाला दिया गया है। यहाँ पे कैसे होता था, जैसे पहले यात्री एक जगह से दूसरे जगह जाते थे तो उनको रहने और खाने का प्रबंध होता था, तो ऐसे धर्मशाला और सराय बनाए जाते थे, वहां लोग रुकते थे। तो यहाँ पे रुकने वाले यात्री जो थे वो यहाँ के रहने वाले जो निवासी थे उनको जो भी समाचार थे उसको और मसाला वसाला लगा के चटपटा बना के, मतलब और जोड़ के, अपने इस मन से जोड़कर उसको बताया करते थे। राजाओं के प्रतिनिधि विभिन्न स्थानों पे हुआ करते थे और राजाओं के जो नेता लोग थे वो अलग अलग स्थानों पे रहते थे और ये समाचार जब उनको आने वाले लोगों से प्राप्त होती थी तो वो समाचार वो अपने राज दरबार में ले जाके अपने राजा को बताते थे। बंगाल गजट ये अंग्रेजी समाचार पत्र है। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र 29 जनवरी 1780 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। कोलकाता जनरल एडवाइजर अथवा बंगाल गजट नाम से वह जाना जाता था। इसमें आयरिश व्यक्ति जेम्स ऑगस्ट हिकी ने शुरू किया इस जो समाचार पत्र है उसको। देखो यहाँ पे चित्र दिया गया, इन्होंने शुरू किया है। इनका नाम है जेम्स ऑगस्ट हिकी। दर्पण, दर्पण भी एक प्रकार का समाचार पत्र है। दर्पण नामक समाचार पत्र 1832 ईस्वी में मुंबई में शुरू हुआ और इसके संपादक बाल शास्त्री जांभेकर थे। देखो बच्चों, ये बाल शास्त्री जांभेकर का यहाँ पे चित्र दिया है। दर्पण के संस्करण में अंकित समाचारों द्वारा हमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास प्राप्त होता है। देखो यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कंपनी सरकार तीन इलाकों का आय व्यय की सूची यहाँ पे दिया गया। आय व्यय, आय व्यय किससे संबंधित है, आर्थिक, आर्थिक यानी पैसों से संबंधित है। दूसरा है इस देश पर रूसियों का आक्रमण होने की आशंका, ये क्या है, राजनीतिक समाचार है। एक राज्य से, एक देश से दूसरे देश में, तो इसको राजनीतिक समाचार कहते हैं। शहर स्वच्छ रखने के लिए समिति स्थापित करना, यह क्या है, सामाजिक समाचार है। हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह, ये भी सामाजिक समाचार है। पांचवा है कोलकाता में थिएटर की शुरुआत, ये क्या है, सांस्कृतिक समाचार है, सांस्कृतिक इतिहास का समाचार है। उसके अलावा छठा है राजा राममोहन राय की इंग्लैंड में कार्य, इंग्लैंड में कार्य, राजनीतिक समाचार। इस प्रकार जो है इसके आधार पे उस समय की जो परिस्थिति थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्या आप जानते हैं प्रथम मराठी समाचार पत्र दर्पण के संपादक होने के नाते बाल शास्त्री जांभेकर को आदि और आद्य संपादक कहते हैं, यानी सबसे पहला संपादक इनको माना जाता है क्योंकि मराठी में पहला समाचार पत्र इन्होंने छापा था। इसलिए 6 जनवरी को उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन को पत्रकार दिवस के रूप में महाराष्ट्र में मनाया जाता है। प्रभाकर, प्रभाकर भी बच्चों एक समाचार पत्र का नाम है। इस समाचार पत्र को भाऊ महाजन ने प्रारंभ किया था। देखो यहाँ पे उनका चित्र दिया गया है।
इसमें उन्होंने फ्रांस की राजक्रांति का इतिहास और लोक हितवादी के सामाजिक पुनर्जागरण पे उन्होंने सतपत्र नामक लेख लिखे थे, वो प्रकाशित किए गए थे। ज्ञानोदय, ज्ञानोदय एक प्रकार का समाचार पत्र है। ज्ञानोदय समाचार पत्र में 1842 ईस्वी में एशिया महाद्वीप का और 1851 में यूरोप का मानचित्र छापा गया था। मराठी समाचार में प्रथम चित्र छापने का सम्मान जो है ज्ञानोदय समाचार पत्र को मिला, क्योंकि इसने पहली बार ऐसे उन्होंने चित्र छापा। बिजली की सहायता से समाचार पहुंचाने का यंत्र अर्थात टेलीग्राफ का प्रारंभ 1852 ईस्वी में हुआ, यह जानकारी भी हमको ज्ञानोदय द्वारा मिलती है। भारत में पहली रेल चली, यह समाचार भी हमको ज्ञानोदय के चाक्या महोत्सव नामक जो शीर्षक था उस नाम से छपा हुआ था, यह भी इसी समाचार पत्र में हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसी समाचार पत्र में 1857 का राष्ट्रीय विद्रोह का भी समाचार छपा हुआ था। देखो बच्चों, यह ज्ञानोदय नामक समाचार पत्र दिया गया है, इसी में ये सारी घटनाएं घटी थी। समाचार पत्र सामाजिक पुनर्जागरण का कार्य करने वाला महत्वपूर्ण माध्यम है। जैसे हिंदू प्रकाश समाचार पत्र विधवा विवाह का जोरदार समर्थन किया। देखो बच्चों, यहाँ पे समाचार पत्र दिया है हिंदू प्रकाश, इस समाचार पत्र ने विधवा विवाह का उसने बहुत समर्थन किया। बहुजन समाज का मुख्य पत्र दीन बंधु कृष्ण राव भालेकर, जो महात्मा ज्योतिबा फुले के सहकारी थे। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है, दीन बंधु कृष्ण राव भालेकर है, ये जो है दीन बंधु कृष्ण राव भालेकर का चित्र है, और ये जो है महात्मा ज्योतिबा फुले के सहकारी थे। सहकारी यानी दोस्त थे, मित्र थे, एक दूसरे का साथ देते थे। उन्होंने प्रारंभ किया कौन सा समाचार पत्र, हिंदू प्रकाश समाचार पत्र। इस समाचार पत्र द्वारा हमें बहुजन समाज के समकालीन परिस्थिति का बोध होता है। केसरी और मराठा, यह एक भारतीय समाचार पत्र है। स्वतंत्रता जब नहीं मिली थी उसके पहले के समय भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास में महत्वपूर्ण चरण के रूप में केसरी और मराठा समाचार पत्रों का उल्लेख किया जाता है। ये समाचार पत्र 1881 ईस्वी में गोपाल गणेश आगरकर, देखो इनका चित्र यहाँ दिया गया है, और नीचे दिया गया है बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों जन ने मिलकर शुरू किया। इन समाचार पत्रों द्वारा तत्कालीन समाज और राजनीतिक समस्याओं को वाणी प्रदान की। इसके द्वारा जो समाज में जो समस्या थी और राजनीतिक जो समस्या थी उसके द्वारा लोगों को प्रेरणा दी गई। देश की दशा और देश भाषा में लिखे गए ग्रंथ और विलायत की राजनीति, इन विषयों पर अच्छी तरह से केसरी ने लिखना प्रारंभ किया। 21वीं शताब्दी में समाचार पत्र लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। पत्र पत्रिकाएं निश्चित समयावधि, समयावधि निश्चित समय के बाद प्रकाशित होने वाले मुद्रित साहित्य को पत्रिका कहते हैं। मुद्रित यानी छपा हुआ चीजें या किताबों को क्या कहते हैं, पत्रिका। इसमें साप्ताहिक यानी जो सप्ताह में एक बार छपता है, पाक्षिक जो 15 दिन में एक बार छपता है, मासिक जो महीने में एक बार छपता है, द्विमासिक यानी दो महीने में जो एक बार छपता है, त्रैमासिक और षडमासिक, और वार्षिक पत्रिका, वार्षिक जो एक साल भर में एक बार छपता है, इन पत्रिकाओं का समावेश होता है। इसके अतिरिक्त एक और प्रकार है, वह है अनियतकालिक पत्रिका, जो कभी भी छप सकता है। अनियतकालिक पत्रिकाओं के प्रकाशन निश्चित समय नहीं होता, वो कभी भी छपता है। बाल शास्त्री जांभेकर ने मराठी भाषा में प्रथम मासिक पत्रिका जो महीने में एक बार छपता था, दिग्दर्शन नामक पत्रिका की शुरुआत की। यह पत्र पत्रिकाओं पर अगर हम विचार करें तो प्रगति साप्ताहिक पत्रिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके संपादक त्र्यंबक शंकर सेजवलकर थे। उन्होंने प्रगति में इतिहास शास्त्र, महाराष्ट्र का इतिहास और सामाजिक आंदोलन आदि विषयों पे बहुत ज्यादा लेखन किया। वर्तमान समय में भारतीय इतिहास से संबंधित बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं छप रही हैं, जैसे मराठी भाषा में भारतीय इतिहास और संस्कृति, मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका आदि। वेब पत्रिका, देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है, जो हम कंप्यूटर में जो समाचार पत्र पढ़ते हैं ई पेपर,
उसको वेब पत्रकारिता कहते हैं। अत्याधुनिक पत्र पत्रिकाओं में वेब पत्रकारिता वर्ग में प्रकाशित होने वाले पत्र पत्रिकाओं का समावेश होता है। इसमें भी मुख्य विषय के रूप में इतिहास ही होता है। वेब न्यूज़ में पोर्टल, सोशल मीडिया, वेब चैनल्स, यूट्यूब पर अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में, भारतीय यानी जो अलग अलग भाषा होता है जैसे कन्नड़, गुजराती, मराठी, है ना, सभी भाषाओं में पाठकों और दर्शकों के लिए पढ़ने लायक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।